For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. मेरा नाम डॉक्टर नदीम रहमान है. मैंने MBBS पाकिस्तान से किया. उसके बाद बाकी ट्रेनिंग मैंने इंग्लैंड में हासिल की, जहाँ पे मैंने MRCP किया. उसके बाद मैंने स्पेशलिस्ट डिग्री ली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी में. वहाँ मैंने लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट पे भी काम किया. इसके अलावा I'm one of the few gastroenterologists who are entitled to do bowel cancer screening. ये एक special program है जिसमें आपकी assessment होती है और उसके बाद आप colonoscopy करने की आप या endoscopy करने की आपको इजाज़त मिलती है, जिसमें आप cancer को diagnose करते हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी वो स्पेशलिटी है जिसमें आप मैदा, आम अल्फाज में मैदे के अमराज, लेकिन इसमें मैदा, जिगर, आंतें, लबलबा, पित्त, ये सब इसमें आता है. तो जो जो बीमारियां इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करती हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उन सब को डील करता है. हर एक पेशेंट के टेस्ट डिफरेंट होते हैं. कुछ वो उसकी बीमारी और उसके अलामात के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं. कुछ उसमें ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं, इस तरह अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरेज. और जो टेस्ट स्पेशली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है वो एंडोस्कोपी से मुतालिक होती है, जिसमें अपर और लोअर दोनों किस्म की एंडोस्कोपीज होती हैं. कुछ फिर हम कुछ एंडोस्कोपी हम तशखीस के लिए करते हैं या डायग्नोसिस के लिए करते हैं, और कुछ एंडोस्कोपी हम इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, कि जिसमें जो बीमारी होती है उनको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए उनका इलाज करते हैं, उनको ठीक करते हैं. गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट लिवर सर्जरी नहीं परफॉर्म करता, लेकिन वो लिवर के पेशेंट को अगर सर्जरी की ज़रूरत होती है तो वो डिसीजन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट करता है. उसकी तशखीस किस किस्म की बीमारी है, और फिर ये डिसाइड करना कि किस वक्त मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत है, ये सब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है. ऑब्वियसली सर्जन को हम इन्वॉल्व करते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड अ पेशेंट फॉर सर्जरी दैट लाइज विद द गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट. एंडोस्कोपी बेसिकली आपकी मैदे, छोटी आंत और बड़ी आंत का कैमरे के ज़रिए मुआयना करना, या उस पर अगर कोई ऐसी बीमारी हो जिसको हम कैमरे के ज़रिए ठीक कर सकें उसको हम एंडोस्कोपी के ज़रिए ठीक करते हैं. एक गलतफहमी जो कि अक्सर पाई जाती है कि एंडोस्कोपी सिर्फ मैदे की एग्जामिनेशन को कहा जाता है, इस तरह का नहीं है. एंडोस्कोपी में ये सारे टेस्ट आते हैं, जिसमें अपर GI एंडोस्कोपी, लोअर GI एंडोस्कोपी, ERCP, अपार्ट फ्रॉम सम अदर टेस्ट, वो सब एंडोस्कोपी के अंदर आते हैं. कोलोनोस्कोपी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है कि ये एंडोस्कोपी की एक किस्म है, जिसमें हम बड़ी आंत का मुआयना करते हैं कैमरे के ज़रिए. इसके बहुत सारी वजूहात होती हैं. कुछ का ताल्लुक होता है लाइफस्टाइल के साथ, ग़िज़ा के साथ, और उसके अलावा कुछ मैदे के अंदर लाइक कैंसर, जो कि इन सब से ये चीज़ें हो सकती हैं. तो ये बहुत ब्रॉड एक टर्म है कि इसकी क्या अलामत हो. बाज़ लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की सूरत में भी
मैदे के सिम्टम्स आते हैं, तो इसमें इस तरह के पेशेंट्स को जिस भी अगर मैं समरी में ये कहूँ कि जिस पेशेंट को बहुत ज़्यादा अलामत हैं जिस तरह अभी आपने ज़िक्र किया है और वो एक आध दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो उसको अपने स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। फास्ट फूड के हैज़र्ड्स, मेरे ख़्याल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैज़र्ड आजकल के दिनों में है वो है वेट गेन। उसके अलावा ये जो मैदे की जो दूसरी अलामात है जिसमें जलन है, कब्ज़ है, बदहज़मी है, ये सब चीज़ें भी उसके साथ होती हैं। लेकिन मेरे जहन में जो सबसे बड़ी अलामत है जिसको हमें देखना चाहिए वो और उसका ख्याल रखना चाहिए वो है वज़न का बढ़ना। हेपेटाइटिस को अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो वो जिगर की सोजिश है। इसकी कुछ किस्में होती हैं जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, जिस पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये किस्में होती हैं। फिर एक होती है नॉन वायरल, उसकी भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है हमारे मुल्क में, बल्कि सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं सारे दुनिया में, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक लिवर डिज़ीज़, जिसका ताल्लुक होता है वज़न के साथ और आगे फिर उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तकरीबन हर एक टाइप का हेपेटाइटिस विद टाइम क्यूरेबल है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं, ख़ासकर हेपेटाइटिस सी की तो इतनी अच्छी और इतनी सस्ती ट्रीटमेंट्स आ गई हैं कि एक वर्ल्ड कंसेंसस अभी यह है कि 2030 तक मुल्क पूरी दुनिया से हेपेटाइटिस सी को ख़त्म कर दिया जाए। मैंने ये सारी अलामात का जिक्र किया है, चाहे वो जिगर से मुतालिक हों या मैदे से मुतालिक हों। इसमें अगर आपको स्पेशलिस्ट की ओपिनियन चाहिए तो आप मुझे मरहम के प्लेटफॉर्म से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट लेके तो मुझे आप विज़िट कर सकते हैं।